हेलो दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ कि जियो आने वाले टाइम में पबजी को पब्लिश करेगा कि नहीं, या नहीं तो कितनी है इस बात में सच्चाई, या हो सकता है ये पॉसिबल है या नहीं कि जियो जियो कंपनी है जो पबजी मोबाइल के साथ कोलैब करके इंडिया में पबजी मोबाइल को पब्लिश कर सके। और ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही काफ़ी लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि जो पबजी मोबाइल है, जो पबजी मोबाइल की आईडी हमें नई बनानी पड़ेगी या वही रहेगी, क्योंकि जो अभी हमारे पास रिसेंट आईडी है उस पर हमने काफ़ी सारा पैसा भी लगा रखा है, और रॉयल पास वगैरह, आउटफिट, गन, स्किन, तो काफ़ी लोगों के मन में डाउट है कि कहीं ये हमारा आईडी चला ना जाए और हमारा जो भी इसमें अचीवमेंट वगैरह है, मिशन वगैरह और गन स्किन वगैरह है, वो सब चला ना जाए। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका आईडी रहेगा या जाएगा, और क्या होगा पबजी और जियो कंपनी से जो बातचीत चल रही है कितनी सच्चाई है। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आ गए एक और निक कमाल की पबजी मोबाइल वीडियो के साथ वापस। तो बात करते हैं हम जियो मोबाइल जो है, जियो कंपनी, वो पबजी को इंडिया में रिलीज कर सकता है या नहीं। कर सकता है तो सारे यूट्यूबर जो बता रहे सही बता रहे या गलत बता रहे, तो मैं अपनी बात आपको बताता हूँ जितना मुझे पता चला है। तो जो पबजी मोबाइल को टेंसेंट हर जगह और हर कंट्री में पब्लिश किया करता था और अभी भी करता है और इंडिया में भी करता था, जैसा आपको पता है कि टेंसेंट एक चाइनीज़ गेम है, चाइनीज़ कंपनी है, इस कारण से पबजी को इंडिया में बैन कर दिया गया है। और अब टेंसेंट जो है, अब पबजी से लिंक अपना तोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है, और उसके बाद पबजी मोबाइल को चाहिए एक नया पार्टनर जो कि इंडिया में पब्लिश कर सके। इंडिया में जियो ही सबसे अमीर कंपनी है, तो सबकी नज़र जियो जियो कंपनी की ओर ही जा रहा है, जो कि पबजी मोबाइल से पार्टनरशिप कर सकता है, तो पबजी मोबाइल को इंडिया में लॉन्च कर सके ऐसा कंपनी चाहिए पबजी मोबाइल को, जो कि सबके नज़र में जियो आ रहा है। अगर आपको बताऊं कि आप शायद सुने भी हो कि गरीना फ्री फायर, एक गरीना फ्री फायर था, गेम था ये, अपने ये शायद खेला हुआ आपने खेला होगा या नहीं खेला होगा, तो मैं आपको बता दूं कि उसका जो ऑफिशियल पार्टनर था वो पेटीएम था। पेटीएम तो आप जानते ही हैं, तो ऐसे ही एक इंडियन कंपनी चाहिए पबजी मोबाइल को, जो इंडिया में पबजी मोबाइल को पब्लिश कर सके और एक अच्छा कस्टमर सर्विस दे सके, जिससे पहले हमें जिसके मतलब हम पहले जो टेंशन था उसमें अगर हमें कोई दिक्कत परेशानी होती थी तो हम कस्टमर में फाइल क्लेम करते थे, या कोई भी इश्यूज होती थी तो टेंशन वाले को मेल किया करते थे, तो हमें उनका रिप्लाई आ जाता था, मतलब जो भी हमारा प्रॉब्लम था वो शायद सॉल्व भी कर देते थे, कभी नहीं भी करते थे, तो वही बात है। साथ ही अब कोई इंडियन पब्लिशर हो तो हमें एक इंडियन सर्विस सपोर्ट मिलेगा, अगर पब्लिशर एक इंडिया होगा तो जाहिर सी बात है, अब पब्लिशर इंडिया हो जाहिर सी बात है कि अब शायद क्या अब हो ही जाएगा इंडिया पब्लिशर। अब मैं बता दूं कि जो पबजी मोबाइल का ग्लोबल वर्जन था वो वापिस नहीं आने वाला, क्योंकि दोस्तों अब पबजी मोबाइल का एक इंडियन वर्जन आने वाला है, अगर ग्लोबल वर्जन रहेगा तो उसमें टेंसेंट रहेगा, इसलिए टेंसेंट पबजी मोबाइल से अपना लिंक ख़त्म कर रहा है। पर और कंट्री से टेंसेंट का लिंक रहेगा ही रहेगा, वो सिर्फ इंडिया के लिए ख़त्म होगा। तो पबजी मोबाइल अब एक नए वर्जन के साथ आएगा, एक नए ऐप बनाएगा जो सिर्फ इंडिया में पब्लिश करेगा, लेकिन उसको पब्लिश करने के लिए एक इंडियन कंपनी चाहिए, इंडियन पार्टनर चाहिए, जो कि गेम को अच्छे से पब्लिश कर सके इंडिया में, साथ ही साथ उसके अच्छे मतलब अच्छा कस्टमर सपोर्ट दे सके जैसे पहले टेंसेंट दिया करता था। तो जियो कंपनी सबके नज़र में आ रही है, क्योंकि वही इंडिया में सबसे अच्छी कंपनी और महंगी कंपनी है, तो हो सकता है कि जियो पबजी मोबाइल को पब्लिश कर सके, लेकिन इसमें भी 50-50 चांस है, और जियो के पास इतना पैसा है कि वो कॉपरेट कर सकता है पबजी मोबाइल के साथ। तो ये सारी चीज़ें
मैं आपको बता दिया हूँ। और अब हमें और हम बात करते हैं कि जब इंडिया वर्जन रिलीज होगा तब हमें पुरानी आईडी मिलेगी या हमें एक नई आईडी बनानी पड़ेगी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सारे लोगों के दिमाग में है जो कि पबजी लवर है। और अब मैं ये सारी बातें क्लियर कर देता हूँ कि आपको कोई नई आईडी बनानी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको एक पबजी वाले जब इंडियन वर्जन आएगा तो आपको लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, जो कि आप ग्लोबल वर्जन का जो भी आपका फाइल क्लेम है वो आप अपने इंडियन वर्जन में सेट कर ले, जिससे कि आपका जो भी अचीवमेंट वगैरह था, गन स्किन थी, आउटफिट वगैरह थी, बैकपैक, मतलब जो भी था वो आपके आईडी में लॉगिन हो जाए। मीन्स जो इंडियन वर्जन है उसमें आपको नया आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका बस कुछ दिन का टाइम मिलेगा तो आप उसमें लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपको जो भी ग्लोबल वर्जन का जो भी सारे चीज़ था, आपका जितना भी आपने पैसा लगाया था तो आपका बच जाएगा, और आपको सारे मतलब एक तरह से वही आईडी मिल जाएगी। तो अब हम बात करते कि काफ़ी लोग से मैंने सुना है कि ये जब इंडियन वर्जन आएगा तो यूसी का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी टेंसेंट कंपनी के टाइम पे जो भी था यूसी जितना भी मिलता था सेम रेट रहेगा, तो इसमें कोई पैसे में कोई इधर उधर नहीं है। तो जो भी हमारा पहले यूसी का पैसा लगता था अब भी उतना ही लगेगा। और जैसा कि आप लोग को पता भी होगा कि जिससे हम यूसी परचेस करते थे मेडास भाई, वो भी बैन हो चुका है। तो अगर आपको यूसी ख़रीदना है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि आप कहाँ से यूसी ख़रीद सकते हो। यार आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो यार, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, और थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर करो।